दोस्तों, हर राशि का एक अलग और एक प्रत्येक महत्व होता है। दोस्तों, आपकी राशि में सबसे ज्यादा खास शुभ परिवर्तन बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों के 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी ही खास रहती है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे बढ़िया राशि है, और दोस्तों आप में मानवता कूट कूट कर भरी होती है। ये सबसे बड़ी आपके राशि वाले जातकों की खासियत होती है। और दोस्तों, आपकी जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि आप बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों में या फिर सभी लोगों में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, आपको अधिकतर देखा जाता है कि आप बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं व मिलनसार हो जाते हैं, तुरंत बात कर लेते हैं व ईमानदार भी कहे जा सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमानी के निशान होते हैं, बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। यदि अपनी बुद्धिमानी की सभी दिशा में ले जाए तो आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप रचनात्मक भी होते हैं, लेकिन वही कुछ अवगुण भी हैं। कुछ गुण ऐसे हैं कि आप थोड़े संकोची किस्म के हैं, यानी कि जो किसी काम को करते हैं तो काफ़ी संकोच होता है आप में। यानी कि जब आप किसी भी काम को करते हैं तो कुछ काम को करने के लिए आपका थोड़ा सा संकोच रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है, आपकी जो सबसे बड़ी कमी है वो होती है अहम की भावना, यानी कि आपके अंदर थोड़ा सा अहम होता है, जिसकी वजह से सनकी भी कहा जाता है। तो यदि अपने अहम पर कंट्रोल कर ले तो आप एक बहुत ही पावरफुल राशि बन सकते हैं, बहुत अच्छी राशि बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ये राशियाँ हैं, आपके राशि के जो पुरुष हैं और आपकी राशि की जो स्त्रियाँ हैं, उनका किस राशि वाले व्यक्ति के साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी जोड़ी बन सकती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए, बिना आपका कीमती समय गवाए बिना जान लेते हैं उन राशियों के बारे में जिसकी जोड़ी आपके साथ में सबसे ज़्यादा जम सकती है। दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों के लिए हम ये चीज़ तो बता ही चुके हैं कि आपका स्वभाव कैसा होता है, आपका व्यक्तित्व कैसा होता है। व दोस्तों, आप लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और आपकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वह होती है अहम की भावना। आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपकी जो जोड़ी है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि की जातकों की जोड़ी सबसे पहले तुला राशि वालों से बन सकती है। देखिए दोस्तों, यदि आपकी राशि की जोड़ी तुला राशि वाले व्यक्तियों के साथ में बनती है तो कैसा होता है। तुला राशि आपने देखी होगी, हाथ में तराजू लिए हुए होते हैं, यानी कि इनमें सबसे बड़ा जो गुण होता है वह ये होता है कि ये हर चीज़ को तोल कर चलते हैं, यानी कि ये बैलेंस बनाकर चलते हैं। इसीलिए तुला राशि को एक बैलेंस राशि माना जाता है, क्योंकि ये हर चीज़ में बैलेंस बना लेते हैं, हर व्यक्ति के साथ में काफ़ी अच्छी पटती है। इसीलिए जो आपकी जोड़ी है वो किसी महिला के साथ कैसी होती है ये हम जानते हैं। तो देखिए, यदि हम तुला की महिला की बात करें और आपका पुरुष की बात करें, दोस्तों आपकी राशि के पुरुष हों, तो दोस्तों पुरुष तुला महिला के आकर्षण उसके व्यक्तित्व से प्रेरित होता है। यानी कि तुला राशि की महिला सुंदर होती है और उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है, और व्यक्ति भी यदि ऐसी ही राशि का है तो इसमें आपको दोस्तों काफ़ी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसलिए ये जोड़ियाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि आप दोनों की अच्छी पटती है और आप दोनों में प्रेम की भावना होती है, क्योंकि तुला राशि की स्त्री आपकी राशि वाले पुरुषों के साथ में बैलेंस बनाकर चलती है, उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी। जो एक पुरुष को चाहिए होती है, उनको स्वतंत्र जिंदगी चाहिए होती है, तो उसको वो प्रदान करेंगी, और इस चीज़ से दोनों संतुष्ट रहेंगे, आप दोनों प्रसन्न रहेंगे और एक दूसरे को सफलता प्राप्त करने के लिए आगे प्रेरित भी करेंगे व अच्छे संबंध भी बनाकर रखेंगे। थोड़ी बहुत तकरार तो होती रहती है, लेकिन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री होगी वो शानदार होगी। जी हाँ, आपकी राशि का पुरुष और तुला राशि की महिलाओं के साथ में आपकी केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो आपकी राशि के पुरुष होते हैं व तुला की जो महिला का रिश्ता होता है वे काफ़ी अच्छा रिश्ता होता है। तो दोस्तों, आपके पुरुषों को, आपकी राशि के पुरुषों को समझना बड़ी ही उलझन वाली बात होती है,
और तुला राशि की महिला ये काम बड़ी ही बखूबी से करती है और इस चीज को बैलेंस बना कर रखती है। दोस्तों, आप मन के सीधे साधे सच्चे होते हैं, लेकिन आप कुछ मामलों में बड़े ही दिल के पक्के भी होते हैं। जी हाँ, प्यार की बात की जाए तो दोस्तों, प्यार में एक हो जाना सब कुछ होता है, इसीलिए प्रेम में संपूर्ण समर्पण बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, प्यार के रिश्तों में संदेह जैसी चीजों का कहीं कोई इनके आपके जीवन में जगह नहीं है। कुछ ऐसे ही दोस्तों आपके राशि वाले जातकों की कुंभ राशि वालों के साथ में भी बनने वाली है। यदि प्यार करेंगे दोस्तों तो ये लोग सच्चे दिल से करेंगे, निभाएंगे तो ईमानदारी से, और किसी तीसरे का दखल इनको अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ में ये किसी से प्यार करते हैं, कोई और आकर यदि कमांड करे या फिर कोई कमेंट करे तो भी इन्हें पसंद नहीं है। ये चीजें इनके साथ होती ही हैं। यदि इनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मानवता अंदर इनकी छुपी होती है। हर किसी के लिए सोचने वाले, खुद से ज्यादा सबकी केयर करने वाले, और जीवन की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी से साझा भी किया करते हैं। वैसे तो ये स्वतंत्र होते हैं और जीवन में हमेशा ये आपके साथ कुछ नया करने की चाहत रखते हैं, और दोस्तों यदि अपने पर आ जाए तो विद्रोह भी करते हैं। तो दोस्तों, ये दो राशियां हैं जो आपको बेहद प्रेम करती हैं, और दोस्तों इन राशियों के जीवन में आधिकता बहुत जरूरी है। दकियानीसी विचारों के साथ में चलना इन्हें पसंद नहीं है। जीवन में ये सब कुछ ट्राई करते रहते हैं, आधुनिक चीजें इन्हें पसंद आती हैं, चाहे वो गैजेट्स हो, कपड़े हो, ब्रांड हो, या फिर प्यार करने के तरीके, यानी कि जो भी नया कुछ इन्हें जीवन में मिलता है वो इन्हें काफी मजा देता है, सुकून देता है। दूसरी तरफ यदि इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो देखिए, इनकी जो प्रतिभा होती है, इनके अंदर जो एक विलक्षण चीजें हैं, यानी कि बस ये समझ लीजिए कि कुछ हटकर है जो लोग इनके बारे में, इनको लगता है लोगों को कि इनके बारे में ये रहस्यमय है, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे तो ये स्थिर स्वभाव के होते हैं, स्थिर विचारधारा वाले होते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन करते रहना, तो कुंभ वाले जो होते हैं बड़े ही निडर होते हैं, कभी किसी के साथ में डरना पसंद नहीं करते, डंके की चोट पर निडरता के साथ में करते हैं। दोस्तों, तो इनके साथ में भी आपका रिश्ता काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी राशि वाले जातकों का रिश्ता आपकी राशि वाले जातकों के साथ में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, संघर्ष से बिल्कुल आप डरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ हट कर किया जाए, इसी के कारण आप ज्यादा सफल होते हैं जीवन में। पर दूसरी तरफ यदि हम प्यार की बात करें तो प्यार के मामलों में शांत रहते हैं, स्वार्थ से परे होते हैं। दोस्तों, ये सुखद एहसास देने वाले और लेने वाले होते हैं। दोस्तों, आपकी राशि वालों को प्यार पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले आप प्यार की गहराई और कितना सामने वाला आपको प्यार करता है, ये कितनी दूर तक रिश्ते जा सकते हैं, पहले आश्वस्त हो जाएंगे फिर ही आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मानवीय गुण आप में भर भर कर है, थोड़े से निस्वार्थ भाव से ही प्रेम करते हैं, और दोस्तों आप दृढ़ निश्चय भी होते हैं, समानता का अधिकार देने वाले होते हैं, यानी कि जिससे भी आपका रिश्ता होगा, जिससे भी आप प्यार करते हैं, समान अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, यहाँ पर ये अधिकार नहीं रखते हैं। दोस्तों, इनके दोस्त बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही कुछ जुदा होता है, आकर्षण लिए हुए होता है, बहुत दूर की सोचते हैं। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी राशि है जिसका रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही खास रहने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि और मिथुन की जोड़ी को भी बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि देखा जाए जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, वे लोग उन लोगों की जो उनका जो नेचर होता है वो काफी हसमुख होता है, उनका जीवन काफी हसमुख रहता है, और यही इनके जीवन को, इनके रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। तो इनके बीच में यदि हम जोड़ी को लेकर बात करें तो यदि आपकी राशि का पुरुष है और मिथुन राशि की महिला है तो ये जो है काफी रोमांच रिश्ता रहता है, क्योंकि ये नियम कानून से एक साथ रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, उनके जीवन की जो अलग अलग चीजें हैं उनकी इच्छा से उनको मजबूती मिलती है, यानी कि एक दूसरे की इच्छाओं से ये जीवन जीते हैं, और हर काम में एक दूसरे का साथ मिलता है जिससे इनके कामों को मजबूती मिलती है। आपके राशि के जो व्यक्ति हैं
और दोस्तों मिथुन राशि की जो महिला है वो एक दूसरे का, एक दूसरे के व्यक्तित्व का, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के विचारों को भी साझा करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को जानने के लिए मदद लेते रहते हैं एक दूसरे की, जो कि दोस्तों और लोगों से आपका काफ़ी अच्छा केंद्र बनता है और मिथुन राशि वाले लोगों के साथ में भी आपका रिश्ता काफ़ी बेहतर बनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यदि दोस्तों आपकी राशि की महिला हो और मिथुन राशि का पुरुष हो तो ये कैसा रहता है, तो दोस्तों ये रिश्ता भी बहुत अच्छा रहता है। ये लोग जो होते हैं एक दूसरे के गुणों की सराहना करते हैं। मिथुन राशि का पुरुष आपकी राशि की महिला में खुद में बदलाव लाता है, क्योंकि ये काफ़ी मिथुन राशि काफ़ी हंसने वाली मजाकिया राशि होती है, जो कि दोस्तों आपकी राशि की महिलाओं के अंदर बदलाव लेकर आती है, विभिन्नता इनके अंदर लेकर आती है। दोनों ही भौतिक राशि हैं और दोनों में ही सार्थक बहस शामिल होना दोनों पसंद करते हैं, यानी कि बहस तो होती है दोनों के बीच में लेकिन फिर भी सामंजस्य बना रहता है। इन लोगों में यदि आप देखेंगे अगर ऐसे रिश्ते एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पेश आते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे रोमांचक अनुभव करते हैं और इनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप दोनों अच्छे ही नहीं बल्कि अच्छे साथी भी बनते हैं, अच्छे दोस्त के रूप में भी निखर कर सामने आते हैं, तो दोस्तों मिथुन के साथ में भी अच्छी केमिस्ट्री आपकी बनती है। अब हम बात करते हैं आपकी राशि की मेष राशि वालों के साथ में कैसी रहने वाली है, तो दोस्तों मेष राशि के जो लोग होते हैं उनके साथ में आपकी राशि का रिश्ता जो होता है वो कैसा रहता है, तो दोस्तों आपकी राशि का यदि पुरुष हो और मेष राशि की महिला हो, देखिए मेष राशि की हम बताएं ये मंगल की राशि है, ये बहुत जल्दी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं उग्र हो जाती है, यानी कि इनको गुस्सा ज़्यादा आता है और उसको शांत होने में थोड़ा समय लगता है। अब मेष राशि काफ़ी ऊर्जावान राशि है, दोस्तों आपकी राशि मेष राशि वाली महिलाओं को आकर्षित करती है, कंट्रोल में करके रखती है और आपका जो जीवन होता है वह बड़ा ही सुखमय और चार मुखी रहने वाला होता है, जो दोस्तों और राशि वाले जातकों को आप लोगों को संग में रहने के लिए प्रेरित करता है और आप लोगों के लिए एक खास स्थितियाँ भी उत्पन्न करता है। दोस्तों मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं जो है उन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि वो आपकी राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित कर सकें। ऐसे में दोस्तों आपकी राशि की महिलाओं को चाहिए कि वो मेष के साथ में सामंजस्य बैठा कर चलें, तो ये भी दोस्तों एक दूसरे के साथ में अच्छा समय व्यतीत करते हैं। और अब हम आखिरी में जानेंगे कि आपकी राशि की, आप ही की राशि के साथ में जोड़ी कैसी होती है, तो देखिए दोस्तों आप दोनों एक जैसी राशि हैं, दोनों स्वतंत्रता पसंद करती हैं और स्वतंत्रता की तलाश में भी आप दोनों एक दूसरे से दुनिया से खुद को अलग भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं आपकी राशि के ही ये दोस्त बनाने में एक दूसरे के साथ बहुत सक्षम होते हैं और इनका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, जीवन के प्रति नज़रिया भी अच्छा होता है, प्रेम भी गहरा होगा, दोनों धार्मिक भी होंगे। लेकिन आपकी राशि की यदि हम जातकों के, यानी कि आपकी राशि के जातकों के साथ में ही यदि हम रिश्ता देखें तो ये जो रिश्ता होगा ये रिश्ता या तो बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा या फिर ये रिश्ता ऐसा होगा कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है और बड़ा ही जो है कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव की स्थितियों जैसा रिश्ता रह सकता है जो